ओके ये व्हाट्सएप है बैक टूटेगा जी दो स्वाद वाली वीडियो उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग भी ऑफलाइन रहते हैं या फिर जो लोग भी अभी तक तो गूगल पे फ़ोनपे नहीं चला पाते हैं और अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस पता करना चाहते हैं और उनको बार बार ब्रांच जाना पड़ता है दोस्तों आज वाली इस वीडियो में आपको पूरा लाइव प्रूफ स्टेप बाई स्टेप करके बताने वाला हूँ कि कैसे सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने उस वाले मोबाइल नंबर का यूज करके जो कि आपके बैंक अकाउंट में लिंक होगा उसका यूज करके आप घर बैठे ऑफलाइन ही सब चीज़ें पता कर पाएंगे आपको यहाँ पर इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होगी अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस अपना लास्ट फाइव ट्रांजेक्शन आपका अकाउंट में क्या क्या चीज़ें लिंक है या फिर और ऐसी बहुत सारी सुविधाओं का का फ़ायदा उठा पाएंगे आप लोग यहां पर सिर्फ सिर्फ और सीर्फ अपने उस वाले मोबाइल नंबर यूज़ करके जो कि आपके बैंक अकाउंट में लिंक होगा बात हमने दो बार रिपीट कर दी है लेकिन आपको यहाँ पर समझाने के लिए ही बोला है तो कहते चलिए इस वाली वीडियो को हम शुरू करते हैं और इसका जो यहाँ पर मेन मकसद होने वाला है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको बिना इंटरनेट का यूज किए घर बैठे ही आप लोग अपने ये चीजें निकाल पाएंगे कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है यानी कि आपके बैंक का बैलेंस कितना है साथ ही में उसमें का आप पांच ट्रांजेक्शन देख पाएंगे अपने प्रोफाइल की डिटेल देख पाएंगे और वहाँ पर बहुत सारी एक्स्ट्रा डिटेल भी होती है जो कि आप चेक कर पाएंगे जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज़ है क्योंकि आप लोगों को ये ऑफलाइन करना है और इसमें आपको कोई भी इंटरनेट का यूज नहीं करना है तो चलिए दोस्तों आज वाले इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है जिससे कि अगर आपके मम्मी पापा है विलेज में रहते हैं या फिर वो कहीं पर भी रहते हैं और अभी तक उन्होंने फोन पे गूगल पे नहीं बनाया है और उनको बार बार अपने बैलेंस का और उनको बार बार अपने बैंक का बैलेंस अपडेट करने के लिए या फिर जानने के लिए ब्रांच जाना पड़ता है और वहां पर काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है उनका तो ये लोग भी अब घर से ही आसानी से सब डिटेल्स पता कर पाएंगे कितना बैलेंस है क्या चीजें चल रही है अकाउंट के साथ तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले वीडियो को छोटे बाद लेकिन दोस्तों पहले बता देते हैं कि, कि अगर आपका भी इस वाले वीडियो से काम हो जाता है तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल नोटिफिकेशन क्लिक करके हाल पे क्लिक कर लेना ताकि आपको आने वाली नए नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं ओके okay, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और देख लीजिए यहाँ पर नहीं मेरा वाईफाई आना ना ही मेरा इंटरनेट आना है यानी कि सब चीज़ यहाँ पर ऑफ है और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने मोबाइल नंबर से ही ऑफलाइन यहाँ पर पता कर पाएंगे अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस साथ ही में आपके बैंक का जो यहाँ पर लास्ट ट्रांजेक्शन है मनी भी सेंड कर सकते हैं रिसीव कर सकते हैं और साथ ही में ये काम अब जो बटन वाली मोबाइल आती है फीचर फ़ोन्स होते हैं की मोबाइल आते हैं उसमें भी आप कर सकते हैं ठीक है तो चलिए इसके लिए मैं बताता हूँ आप क्या करना है सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का डायलर ओपन कर लेना है जहाँ से आपको कॉल लगाना होता है जहाँ से आप कॉल लगाते हैं यहाँ से तो अगर आप मैं बता दूँ कि यहाँ से कैसे कर सकते हैं तो जी हाँ गाइस आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए और यहाँ पर मैं दो तीन चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो ट्रिक है ये जियो के सिम कार्ड में वर्क नहीं करने वाला है अगर आपके पास जियो का सिम कार्ड है तो ये ट्रिक नहीं वर्क करेगा ध्यान से सुन लीजिए वोडाफोन आइडिया एयरटेल और जितनी भी कंपनी सभी में वर्क करेगा लेकिन जियो में नहीं वर्क करेगा आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ बार बार कमेंट मत करना कि नहीं कर रहा है जियो में ये वो तीन पाँच मत करना ठीक है तो अब चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है तो सबसे पहले आपको एक कोड टाइप करना होगा दोस्तों और इसमें आगे बहुत सारी चीजें तो वीडियो को यहाँ से अपना ध्यान से देखते चलना नहीं तो ध्यान से नहीं देखोगे तो बार बार कमेंट करोगे और मैं वहाँ पर कोई भी रिप्लाई नहीं देने वाला हूँ क्योंकि आपने पूरी वीडियो देखी नहीं होती और बार बार कमेंट करते हो तो ध्यान से देखिए ध्यान से सुनिए और समझिए इसको आपको एक कोड टाइप करना है स्टार नाइन नाइन हेच और जैसे आप इस पर इस वाले कोड को टाइप करेंगे आपको क्या करना है बस इस पर कॉल करना है सिंपल सा और जैसे आप कॉल करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ एक पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पे आपके बैंक का नाम या फिर आपसे आपके आप फर्स्ट आईएफएससी कोड लेटर पूछेगा फर्स्ट फोर लेटर ऑफ योर बैंक आईएफएससी कोड आपको पता होगा आईएफएससी कोड हमेशा जैसे यूनियन बैंक है तो यू सेंट्रल बैंक है तो सी स्टेट बैंक है तो एस ये इसका आगे का चार लेटर है उसके बाद अंक होता है तो हमें सिर्फ लेटर डालना है यानी कि एस बी आई एन यू -ए 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 इस तरीके से ठीक है अभी मैं इसको आपको देखिए क्या किया यहाँ पे डायरेक्टली खुल गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे क्योंकि मैंने इससे पहले अपना आई एफ कोड डाल लिया था ये बार बार अब यहीं पे खुल जा रहा है ठीक और यहाँ पे मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ पे, पे का अकाउंट नहीं बनाया तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई भी काम करने से पहले आपको अपना करना पड़ेगा जो कि आपके सातवें दिख रहा है तो वो चीज मैं पहले आपको बताऊंगा फिर आपको बताऊंगा बैलेंस चेक करके तो सबसे पहले सबसे पहले मैं चलिए आप बैलेंस चेक करके प्रूफ ही दिखा देता हूँ फिर आपको सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है तो चलिए वाला एक बार मैं फिर से टाइप कर लेता हूँ कितना टाइम आउट हो गया और जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर आप पहली पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं अगर आप फीचर फोन यूज करते हैं कि बटन वाला तो आपको यहाँ पर सेवन नंबर पे प्रवेश करना होगा जैसे कि मैं नंबर सेवन नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ उसके बाद यू पिन पे यहाँ पे सेंड कर देता हूँ ठीक है और जैसे सेंड पे क्लिक करूंगा देखिए यहाँ पर सेट या फॉरगेट यू पिन और चेंज यार चेंज यू पिन तो आप पहले पहले आए होंगे तो आपको सेट करना होगा अगर आपने गूगल पे फोन पे नहीं बनाया होगा अगर आपने गूगल पे फोन पे बनाया होगा तो आपको वही वाला यू पिन यहाँ पर भी लगने वाला है तो चलिए मैं एक पे क्लिक करके सेंड करता हूँ यानी कि मुझे नया पिन बनाना है तो नया पिन बनाने के लिए देखिए यहाँ पर आपसे बोलेगा कि आप अपने डेबिट कार्ड नंबर का जो कि आपके बैंक से मिला होगा डेबिट कार्ड या ए कार्ड उसका लास्ट का छह अंक जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एक दो तीन चार पाँच छः फिर एक स्पेस उसके बाद जो आपकी एक्सपायरी डेट है मान लीजिए आठ दो हजार चौबीस है तो आपको क्या करना पड़ेगा जीरो एट टू फोर ऐसे टाइप करके सेंड कर देना होगा चलिए मैं अपना ओरिजिनल वाला टाइप करके आपको बताता हूँ करके ताकि आपको सब चीज यहाँ पे क्लियर हो जाए मैंने टाइप कर लिया है और अब हमें यहाँ पर सेंड पे क्लिक करना है जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूंगा दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है इंटर फोर डिजिट न्यू यू पी आई पिन तो अब आपको जो भी पिन रखना हो जैसे कि एक दो तीन चार एग्जाम्पल के रूप में मैंने तेरह पैंतालीस है इसको आपको सेंड पे क्लिक करना है कोई भी आपको सेट करके याद रखना है उसके बाद फिर से बोल रहा है री री इंटर योर फोर डिजिट वही वाला पिन आपको दोबारा डालना जैसे मैंने तेरह पैंतालीस डाला था इस तरीके से डाल के आपको फिर से सेंड करना है आपका यहाँ पर यू पिन सेट हो जाएगा ठीक है अब चलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले से ही बना रखा है तो मेरा सेट नहीं होगा वहाँ पे अब फिर से इस कोड को टाइप करके आना है दोस्तों और अब मैं आपको बता दूं बैलेंस चेक करने के लिए खासकर मैंने ये वाली वीडियो बनाई है कि जो लोग ऑफलाइन बार बार बैंक जाते हैं वो लोग बहुत परेशान होते हैं तो देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पे ऑप्शन आ रहा है चेक बैलेंस का तो हमें इस वाले पे क्लिक करके सेंड पे क्लिक कर देना है और फिर ये देखिए आपसे पूछेगा कि इंटर फोर डिजिट यू पिन योर सेंट्रल बैंक अकाउंट इंडिया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमें अपने चार अंक का यूपीआई पिन डालने के लिए बोल रहा है तो अभी अभी मैंने आपको बताया कैसे पिन सेट करना है या फिर अगर आप भूल गए तो नीचे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं उसी तरीके से तो चलिए मैं इंटर कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ तो यहाँ पर मैंने यूपीआई पिन एंटर कर लिया उसके बाद हमें जस्ट सेंड पे क्लिक करना पड़ेगा और कहें जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे आप देख पा रहे होंगे आपके बैंक का बैलेंस यहाँ पर सामने आपके शो हो जाएगा जैसे कि अभी मेरे केस में दो हज़ार बत्तीस रुपये चौबीस पैसे यहाँ पर शो हो रहा है तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर पाएंगे अब दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जिनका एक मोबाइल से काफ़ी सारा बैंक अकाउंट लिंक होता है तो वो लोग क्या करेंगे तो ध्यान से देखिए फिर से इसी वाले कोड को डायल करेंगे मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर यही वाला पार्ट अभी सुन रहे स्किप करने वाले थो थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन बताया है मैंने आपको तो अगर आपका बार बार दो सौ तीन चार अकाउंट जैसे कि अभी सेंट्रल बैंक है कोई और बैंक है मान लीजिए यूनियन है स्टेट है दो चार बैंक लिंक है एक ही मोबाइल नंबर से तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको आना होगा फोन नंबर पर जो कि होता है माई प्रोफाइल आपको यहाँ पे चार्ज आगे क्लिक करना होता है तो जैसे आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए एक ऑप्शन आ जाएगा चेंज बैंक अकाउंट नंबर एक का तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने फिर से वही वाला पेज आ जाएगा जैसे कि मैं आपको एक क्लिक करके सेंड करके दिखाता हूँ तो देखिए दोस्तों जैसे मैंने इस पे क्लिक किया अब फिर से यही वाला कोड यहाँ पर आ गया है इंटर फर्स्ट फोर लेटर ऑफ योर बैंक तो अगर आपके पास अभी मैंने सेंट्रल बैंक का डाला था तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था सी बी आई एन सेंट्रल बैंक का खुल गया था अब मेरा इसी वाले मोबाइल नंबर से अगर मान लीजिए मेरा स्टेट बैंक का मोबाइल नंबर यानी इसी वाले मोबाइल नंबर से स्टेट बैंक का अकाउंट लिंक है तो मैं डालूंगा तो मैं डालूंगा यहाँ पर एस बी आई एन क्योंकि यहाँ पर जिसका फर्स्ट फोर लेटर होता है आई एफ एस सी कोड का वो यही होता है सारे बैंक का अलग अलग होता है आप अपनी आप अपनी पासबुक पर या फिर अपने बैंक की वेबसाइट पर देख सकते हैं उसके बाद आप सेंड करेंगे तो आपका स्टेट बैंक का सारा चीज़ खुल जाएगा फिर आप थ्री नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टेट बैंक का बैलेंस बताएगा ये तो चलिए अब मैं एक बार कैंसिल आउट करता हूँ और फिर से एक बार निन्यानवे स्टार निन्न्यानबेज करके दिखाता हूँ और आपको कुछ एक और नई चीज़ बताता हूँ तो यहाँ पर स्टार निन्यानवे हैज टाइप कर लिया है ध्यान रखना है कि ये चीज़ जियो के सिम में काम नहीं करेगी ये चीज़ आपको ओडाफोन आइडिया में ही काम करने वाली है तो ये चीज़ आप ध्यान से देख लीजिएगा समझ लीजिएगा अब यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर बैलेंस चेक करने के अलावा आप मनी सेंड भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और साथ ही पर बहुत सारे अपने ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं कि आपने कितने पैसे निकाले हैं कितने इंटर किए हैं बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर देख पाएंगे छह नंबर को इंटर करके तो चलिए मैं भी चार नंबर को इंटर करता हूँ माई प्रोफाइल वाले पे और सेंड पे क्लिक करता हूँ और आपको कुछ और चीजें दिखाता हूँ जैसे कि आपको अपने डिटेल्स को चेक करनी है कि सच में ये आपकी डिटेल्स शो कर रहा है या फिर किसी और की तो पर आपको मैं बता दू आपको थ्री नंबर पे एक ऑप्शन आएगा माय डिटेल्स का जैसे आप थ्री नंबर पे यहाँ पर क्लिक करके आप सेंड करेंगे फोन नंबर के बाद वाले थ्री नंबर पे तो यहाँ पर देखिए अब ये पूरी की पूरी मेरी डिटेल शो कर दे रहा है जैसे कि मेरा नाम मेरा यू पी मेरा बैंक अकाउंट जिससे लिंक है और साथ ही में अकाउंट नंबर का लास्ट का फोर डिजिट तो आप इससे मैच भी कर सकते हैं कि ये आपका अकाउंट है कि नहीं है और साथ ही में नीचे दिखा भी रहा है यू पिन सेट यू पिन कैसे सेट करना है शुरू में मैं आपको बताया उसके बाद मैंने आपको बताया कैसे बैलेंस चेक करना है तो क्या जी यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दे दी है इसके बारे में फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो कुछ चीज़ें और पूछनी हो कुछ चीज़ें और जाननी हो तो हमें कमेंट करिए बाकी आपको एक बार फिर से बता दें कि ये जियो के सिम में काम नहीं करेगा उसके अलावा सभी में वर्क करने वाला है तो इस वाली वीडियो को शेयर करिए उन सभी लोगों के साथ जो लोग भी अभी फोन पे गूगल पे नहीं यूज करते हैं की पैड वाला फोन यूज करते हैं और बैंक के चक्कर काट रहे हैं बैंक बैलेंस के लिए और काफी सारी चीज़ों के लिए तो वो लोग इस तरीके से ऑफलाइन बिना नेट ऑन के हुए बिना वाईफाई आन के हुए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ अपनी सारी चीजें यहाँ पर ऑन कर सकते हैं यानी उसका फायदा उठा सकते हैं तो चलिए इस वाले वीडियो में बस इतना ही हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाहर थैंक यू